हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका स्वागत है कृषि छात्र यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हमारे एग्रीकल्चर का ही एक पार्ट होता है एनिमल हस्बेंड्री। तो दोस्तों, एनिमल हस्बेंड्री के लिए जितने भी इंस्टीट्यूट बनाए गए हैं ICAR के द्वारा, जो संस्थान होते हैं, जो भी बनाए गए हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आप कंटेंट में देख सकते हैं, यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखे हुए हैं। इन सब की बेसिक डिटेल पढ़ेंगे। बेसिक डिटेल में हम इनका पूरा नाम क्या है, ये किस जगह पर बने हुए हैं और किस वर्ष में या किस ईयर में इनको इस्टेब्लिश किया गया है। तो सबसे पहला है हमारे पास CIRG, मतलब कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन गोट, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, जो कि मकदुम मथुरा उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है और इसे सन 1979 या 1979 में बनाया गया। हमारे पास अगला संस्थान है CSWRI, जिसको हम सेंट्रल सीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम इसे केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं। इसको बनाया गया है सन 1962 में और जगह का नाम है अविका नगर, राजस्थान। हमारे पास अगला जो इंस्टीट्यूट है वो है CIRB, मतलब कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, जो कि हिसार हरियाणा में बनाया गया है सन 1985 में। दोस्तों, हमारा अगला इंस्टीट्यूट है NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेस, जो कि करनाल हरियाणा में बनाया गया है। इसको शॉर्ट फॉर्म में NBAGR कहते हैं। हमारा अगला इंस्टीट्यूट है CARI, सेंट्रल एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, मतलब कि जो पक्षियों के लिए इंस्टीट्यूट बनाया गया, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान के नाम से जाना जाता है। इसको बनाया गया है इज्जत नगर, जो बरेली है, उत्तर प्रदेश राज्य में, सन 1979 में भी इसको बनाया गया है। अगला इंस्टीट्यूट है IVRI, मतलब इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि इज्जत नगर यूपी में ही बनाया गया है। इसको 1889 में बनाया गया था, सोचिए 1800 में, 1889 में। इसके बाद है NDDB, मतलब कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, जो कि आनंद गुजरात में बनाया गया है। हिंदी में इसको राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड कहते हैं, जो कि 16 जुलाई 1965 को बनाया गया था आनंद गुजरात में। हमारे पास अगला इंस्टीट्यूट है NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, NDRI करनाल हरियाणा में बनाया गया। सबसे पहले इसे 1923 में बेंगलोर में बनाया गया था, इसके बाद 1955 में इसको शिफ्ट किया गया करनाल में। तब से इसकी जो लोकेशन है वो करनाल हरियाणा हो गई 1955 में। हमारा अगला इंस्टीट्यूट है नेशनल रिसर्च सेंटर, NRC बनाए जाते हैं, नेशनल रिसर्च सेंटर इक्वाइंस के लिए। इक्वाइंस मतलब कि जो अश्व होते हैं या घोड़े होते हैं, जो घोड़े वाली प्रजाति या गधे वाली प्रजाति है, उनके लिए NRC बनाया गया है, जो कि है हिसार हरियाणा में। एक और है NRC फॉर कैमल, मतलब नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कैमल, जो कि बीकानेर राजस्थान में बनाया गया है। अगला है भाई, जब इतने सारे एनिमल्स है तो उनके लिए फॉडर के लिए भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो IGFRI, जिसको इग्फ्राई भी बोलते हैं, IGFRI, इंडियन ग्रासलैंड एंड फॉरेज रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, जो कि झांसी उत्तर प्रदेश में है, 1962 में बनाया गया था। तो दोस्तों, ये सारे इंस्टीट्यूट थे जिसके बारे में हमने जाना, जो कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड थे। ये वीडियो है जो एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखते रहें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।